दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनको सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। इंसानों के साथ पेड़ पौधों और जानवरों की जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, इन्हीं सभी विषय पर होने वाला शोध हमेशा से ही वैज्ञानिकों का सबसे पसंदीदा विषय बना है। इसी जीवन की उत्पत्ति को लेकर कभी नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में घूमता है तो कभी हबल टेलीस्कोप स्पेस के तारों की तस्वीर लेता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इस बार रिसर्चर्स धरती पर ही कुछ ऐसे रहस्यमय चीजों की तलाश कर रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में कई ऐसे रहस्यमय इलाके हैं जहां जोखिमों की भरमार है। अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। अंटार्कटिका में एक टेलर ग्लेशियर है जिससे खून का झरना बह रहा है। दरअसल ये ग्लेशियर पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में स्थित है। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर से खून का झरना बहता हुआ देख बेहद ही हैरान हो गए। सदियों से इस झरने की पानी का रंग लाल है। जिस जगह ये झरना है वहां का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन ये झरना फिर भी बहता रहता है। आमतौर पर पानी जब माइनस टेम्परेचर में चला जाता है तो वो बर्फ बनने लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। टेम्परेचर चाहे कैसा भी हो, दशकों से ये पानी ऐसे ही बहता आ रहा है। जिस वक्त वैज्ञानिकों को ये मिला था, इसे देखते ही सभी लोग हैरान रह गए थे। वैज्ञानिकों ने इसके एक सैंपल की जांच की तो पता चला इस लाल पानी का स्वाद नमकीन है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल खून जैसा है। कुछ रिसर्च का मानना है कि इस ग्लेशियर के नीचे जीवन मौजूद हो सकता है। आपको बता दें कि इस ग्लेशियर को विक्टोरिया लैंड में टेलर ग्लेशियर के पास खोजा गया था, जो कि एक बेहद ही खतरनाक जगह है। ये झरना खून की तरह लाल दिखने की वजह से इसे खूनी झरना यानी ब्लड फॉल कहा जाता है। आपको बता दें कि इस ब्लड फॉल को साल 1911 में अमेरिका के साइंटिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने खोजा था। ये झरना किसी 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस झरने के लाल रंग के पीछे कई कारण दिए जाते हैं। सबसे पहली थ्योरी के अनुसार रिसर्चर का मानना था कि ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील बर्फ के रूप में बदल गई और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी का फ्लो बाहर आने लगा। इसके साथ पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आने के बाद लाल रंग का हो गया, जिससे इसके पानी का रंग खून के जैसा दिखने लगा। वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लोह नमक यानी आयरन सॉल्ट मौजूद है। दरअसल ये आयरन सॉल्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद साल 2009 में एक स्टडी की गई जिससे कि हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। इस ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव होने की जानकारी मिली, जिस कारण इस ग्लेशियर के अंदर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। बहुत बड़े इकोसिस्टम का ये छोटा सा भाग है जिसे वैज्ञानिक खोज पाए हैं। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि यहाँ पाए जाने वाले विक्टोरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही अपना जीवन जी रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव सब ग्लोसियस इकोसिस्टम के बैक्टीरिया हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को इसके एक इलाके से दूसरे इलाके तक खोज करने में दशकों लग जाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना और रहना बेहद ही कठिन है। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह थी कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर ये बैक्टीरिया कैसे जिंदा है, और साथ ही नए बैक्टीरिया भी पैदा हो रहे हैं। दरअसल इस झरने के पानी में नमक होने की वजह से ये पानी कभी जमता नहीं है, और कैसा भी मौसम हो ये हमेशा ही बहता रहता है। नमक नहीं होता तो शायद ये जम जाता। कुछ लोगों का तो ये तक विश्वास है कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। इस आत्मा की वजह से ये पानी का रंग लाल हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पानी के अंदर आयरन ऑक्साइड होता है जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। उसका अनुमान है कि इस जगह पर बर्फ के नीचे लोह तत्व की अधिकता है जो पानी को लाल रंग में बदल देती है। हालांकि ये लाल झरना अभी भी पूरी दुनिया में रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग एंड नॉलेजेबल मिस्टीरियस चीजें जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।